हेलो, रुक जा यार, अरे जरा पीछे आ जा यार, आगे बहुत गहराई है, अरे तुम गिर सकती हो। तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तुम टिकटॉक बनाने आई हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ इस खंडर में टिकटॉक बनाने आई हूँ? तो तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? तुम हो कौन? चली जाओ यहां से। ओके, बट मुझे लग रहा है कि तुम किसी फैशन शो से आई हो। कोई मॉडल हो क्या? या फिर जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो किसी और के साथ भाग गया? कुछ तो बोलो यार, इतनी हिम्मत वाली औरत लग रही हो। औरत? 22 साल की हूं मैं। लग तो 26 की रही हो। अपनी शादी से भाग कर आई हूं मैं यहाँ पे सुसाइड करने। सुसाइड? मतलब? मतलब खुद खुशी। एक सेकंड के लिए रुक जाओ, इतने ऊंचे से कूद जाओगी तुम? चैलेंज कर रहे हो तुम मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से कूद नहीं सकती? वेट, प्लीज, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? देखिए, मैं एक राइटर हूं, कहानियां लिखता हूं। तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मैं वो कहानी लिखता हूं। फिर बेशक तुम यहां से छलांग लगा देना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां तुम्हारे बोरिंग से राइटिंग कैरियर को बूस्ट करने आई हूं? सुसाइड करने आई हूं मैं यहां पे? यार, मरने से पहले कोई तो अच्छा काम कर दो यार, मेरी लाइफ बन जाएगी। जहां तक क्रेडिट का सवाल है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मरने से पहले तुम्हारा नाम जरूर लिखूंगा स्टोरी में, जिससे तुम हिट हो जाओगी। कुछ तो सोचो यार मेरे बारे में। बट मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। माय नेम इज खुशी। माय सेल्फ रोमी। मैं ना यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, समझ में आया कुछ? एकदम बेकार हो जाएगा यार, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम मिस्टर? एक सेकंड के लिए रुक तो जाओ यार। अरे जाओ यार यहाँ से, सुसाइड करने दो मुझे। ये क्या तुम बार बार नीचे गिरने की बात कर रही हो? मेरी बात तो सुन लो। ये राइटिंग है ना जो, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग कैरियर है, और वैसे भी राइटर्स तो इतने बोर होते हैं ना एकदम, और तुम तो ना शक्ल से ही एकदम फ्लॉप नजर आ रहे हो। अरे जाओ यार प्लीज यहाँ से चले जाओ, और मुझे सुसाइड करने दो। यार मैं अपना फोन घर पे भूल आया हूँ, तुम मुझे 15 मिनट दो, मैं अभी अपना फोन लेकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हारे कूदने की वीडियो भी बना लूंगा। मतलब प्लीज। कोई जरूरत नहीं है इन सब की, मैं ऑलरेडी घर पे खत रख के आई हूँ, सब कुछ लिख के। खत? इस जमाने में भी? मतलब बड़ी ओल्ड किस्म की खुदकुशी करने जा रही हो यार। मैं आपकी जगह होता ना तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाता, अपने सारे दोस्तों को उसमें ऐड करता, और एक लंबा सा मैसेज लिखता, या वॉइस नोट तो बनाता ही, या फिर वीडियो कॉल। नहीं, मैं अपना फोन नहीं लाई। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम थोड़ी देर रुक जाओ यार, मैं यूं गया और यूं आया। और मुझे ये बताओ, तुमने कुछ खाया भी है या अपनी शादी से खाली पेट ही उठकर आ गई हो? मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बस, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं कूदने वाली हूँ। तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ से कूद जाओगी और मर भी जाओगी? यहाँ से कूद के ना कोई नहीं बचता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम यहाँ से छलांग लगाओ और तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां टूट जाए
और फिर भी तुम जिंदा बच जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम सारी उम्र बेड पर रहो, या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दोनों टांगे टूट जाएं और तुम चलने के लायक ही ना रहो। मेरी मानो ये बड़ा ही रिस्की काम है। तुम एक काम करो, घर जाओ और पंखे से लटक कर मर जाओ। घर पे ना बहुत सारे मेहमान हैं और वो लोग मुझे मरने नहीं देंगे। यार ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, घर पर वो लोग भी आ जाते हैं जो मेहमान होते ही नहीं है। हमें शादी के बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि शादी के दौरान मेहमान कम आए। अब तुम मुझे बताओ, ये सुसाइड 22 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला? बड़ा नहीं, बुरा फैसला। तुम खुद खुशी कर रही हो, घर से भागकर भी तो शादी कर सकती थी ना। मेरा मतलब है कि तुम घर से तो भागी गई हो, तो शादी कर लो। हाँ मैं जिसके लिए घर से भागी वो किसी और के साथ भाग गया। I'm sorry यार, मैं बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहता था, लेकिन मतलब इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम उससे एक बार पूछ तो लेती कि उसे करना क्या है। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। तुम लड़कों के लिए ना ये सब मजाक होता है। मैं अपना घर छोड़ के भागी, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपना खानदान छोड़ा, और तुम हंस रहे हो। देखिए ऐसी बात नहीं है, I am sorry। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि आप किस हालात से गुजर रही होंगी। कोई बात नहीं, समर्द ऐसे ही होते हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम मेरे पैर क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं बस यही देख रहा था कि तुम कहीं भूत तो नहीं हो। दोनों पैर टेढ़े हैं तुम्हारे, मेरा मतलब सीधे हैं। जरूरी नहीं है कि सभी भूतों के पैर उल्टे हो। सुनसान जगह है, कोई भी नहीं है यहां पर। एक अकेली लड़की, वो भी दुल्हन के लिबास में। ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी है मैंने। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी कहानियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, उसका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मेरी जिंदगी की कहानी भी इतनी भयानक है ना कि तुम सुनोगी ना तो हो सकता है कि अपने घर वापस चली जाओ। मुझे जिंदगी से बहुत शिकायत है, पता है मैं भी खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, बुजदिल था, खुदकुशी नहीं कर पाया। लेकिन मैं यही खौफ तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, यहां से कूदने का खौफ। सोच रहा हूं तुम्हारा फैसला आसान कर दूं, तुम्हारी मदद कर दूं, तुम्हें यहां से धक्का दे दूं। अरे अपने आप को देखो जरा, अपने आप को ऐसे पकड़ लिया जैसे जान ही निकल जाएगी। अरे भाई वापस चली जाओ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हो तुम। मेरी मानो, घर जाओ, अपने माँ बाप से माफी मांगो। अरे माफ कर देंगे वो तुम्हें। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जिंदगी बचाने का, अब ना खुद की जिंदगी बचा के दिखाओ। Oh my god, look at the face, it's amazing. I'm so sorry. Actually, I'm a YouTuber. मैं व्लॉग बनाती हूँ। मेरी सारी वीडियोस डरावनी होती हैं। जितनी ज़्यादा डरावनी होगी, उतने ही ज़्यादा व्यू आते हैं। I'm so sorry. You know what? वहाँ पे देखो, वहाँ पे कैमरा है। And you are going to be a star. Let me show you.
हमें क्या लगता है, हम खुदकुशी कर लेंगे और जिंदगी से छुटकारा पा लेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। खुदकुशी करके हम हर पल मरते हैं। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। Ha ha ha!